बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उस अहम खबर की जिससे कल लगातार बड़ी अपडेट कानपुर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इस सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। कानपुर हिंसा में आपको बता दें कि अब तक 40 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। पत्थरबाजी के बाद जो भागते हुए उपद्रवी हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और हयात हाशमी का नाम साजिशकर्ता के तौर पे सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम जो उपद्रवी हैं वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान किस तरीके से लोग वहां से भाग रहे थे वो दृश्य भी साफ तौर पे आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। तो किस तरीके से कल यानी कि 3 तारीख को शुक्रवार का दिन जब जुमे की नमाज थी उसके बाद ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और अचानक से वहां पर माहौल बिगड़ा और 2 गुटों में लोग बट गए और इसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी देखने को मिली थी। और पत्थरबाजी का नजारा कैसा था वो आप इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन भी तुरंत हरकत में आए और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके साथ ही उन्हें वहां से लाठी चार्ज करके तितर बितर करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई थी। हालांकि जैसे ही इन तमाम उपद्रवियों को वहां से हटाया गया उसके बाद गलियों में भी पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। उसके बाद अब ये हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसका नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जुमे की नमाज के बाद कल माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये उपद्रव और ये बवाल तब हुआ जब कानपुर में देश के प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल वहां पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उस दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्थितियां पूरी तरह से सामान्य है, आवाजाही चल रही है और जिन भी लोगों के द्वारा कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है? अभी करीबन 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और बाकी और भी जो लोग हैं उनको चिन्हित करके सख्त कार्रवाई अभी सुनिश्चित की जाएगी। सर, आपको वहां लखनऊ से भेजा गया है तो क्या लगता है कुछ और भी इनपुट है कि इस तरह की कहीं घटना हो सकती है या ऐसा कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं जो बवाल कर सकते हैं? जो भी विभिन्न तरह के इनपुट्स हमारे पास में हैं वो CP सर के, जॉइंट CP सर के डायरेक्शन में उसको कंपाइल करके उसके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो प्रक्रिया आपको बताएंगे।